जबरदस्त पीस ही खुद ही। हाँ जी गाइस, सत श्रीकाल, की हाल चाल, स्वागत करते हैं ता बड़े दिन बाद ब्लॉग या वीडियो च। ये मेरे ख्याल अज वीडियो ही होएगी, और वीडियो तो होएगी क्योंकि बड़े दिन बाद आप वीडियो बना रहे हो। बाकी तुम्हें पता ही है क्यों, की रीजन आ। एक गल करना चाहता पर जो भी रीजन है बहुत सैड आ, तुम्हें पता ही आ। मैं ज़्यादा बयान नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बड़ा तगड़ा फैन सी उस बंदे का। मैं दसना चाहना, आप जो ये सानू खबर सुनी ना, मैं अपने फ्रेंड को दसा या उन्हें मैंने पहला दसिया, मैं पहले उन्होंने दसा कि आप वॉलीबॉल खेल रही ग्राउंड च गए थे, तो मैं दसिया तो उन्होंने तो यकीन ही नहीं होया मेरे ना लड़े ला पाया। तो पहला तो मैनू भी नहीं सी होया, मैनू सी कि भी फेक आ कि भी आ जाती आ। तो बट की कहते ने, मैं फिर जो आप दो मिनट होल्ड रखा वॉलीबॉल तो चैक किया, तो वाकई वो गल सी। आप वॉलीबॉल मनोंगे नहीं, आप वॉलीबॉल बंद करके तो घर चल गए, खेडन का ही नहीं मन किया गाइस। बट की कर सकते हैं, एक बहुत दिन बाद ब्लॉग किया वा, अज करने वो ता किया क्योंकि एक बार ब्लॉग परसों भी किया, बट मेरा मन नहीं किया, मैं चुके डिलीट करता उसका। तो हूँ देख लो जाके, वो ब्लॉग है ही नहीं आगा, लैपटॉप बाय किया। बाकी चैनल में सबसक्राइब कर लियो, नोटिफिकेशन बैल तो टैप कर लियो, बाकी जड़ी करना होगी कर नहीं सकते आप, बस सारे को याद ही ने। बाकी मूसेवाला जिंदाबाद, नेवर डाइड है ना, सीधी गल आ, मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बाकी आ करते अज आप एक चीज होने, मेरा पूरा सैटअप दिखा लगे अच्छे तू। चलो गाइस, एक दो गल होर ने दोबारा कर दिना। सो गाइस, जेडे तो नवे जुड़े चैनल में प्लीज़ सबसक्राइब कर लो, जेडे तो पुराने उन्होंने भी मेरे ख्याल अद्धे तो ज़्यादा जन ने किया नहीं, तो वीडियो वेखते हो, वीडियो वेख के तो बाद चैनल में सबसक्राइब नहीं करते, सबसक्राइब करा करो तो जो आप मोटिवेट हो जाए ते वधिया तो वधिया चीज़ लैके आइए। क्वालिटी दस्यो जरूर कहो जी आ रही क्वालिटी अज, तो अज थोड़ी मैं लग रहा कि इंप्रूव है। बाकी तुम जरूर दसो एक बार कमेंटा च, तो बाकी तुम अपना सैटअप खोने, तो इस भी खराबी आ, ये भी आप बदलेंगे छेती, पर तुहाडी सपोर्ट चाहिए है ना। चलो गाइस, है कुछ साडा ये मेरे ना थोड़ी तुम दसा कि प्रॉब्लम हो गई सी, आउटरी भी हैगी क्रीम हैगी पैर पूर ते लाने वास्ते, कि मतलब आ मेरे ना इतने थोड़ी प्रॉब्लम जी हो गई सी इनफेक्शन टाइप। तो गाइस वा अपना की ना खुशकी वास्ते कुछ भी। सो गाइस, आ अपने FND के स्पीकर है छोटे, बहुत वधिया आवाज ये दी, तुहानू किसी वेले चला के भी ब्रीफली दसांगे। ते आ साडे कैबिनेट रखन दा सीगा, बट हुण कैबिनेट साडा आया, तुहानू दिखाने दा की होया। ते बाकी अगर आपां आने आए दे ते सगाइस, ए माउस पैड ज़ेब्रोनिक्स दा ब्लूटूथ वाला माउस आ, तुसीं खुद देख रहे हो। ये थोड़ा गंदा है क्योंकि वाहवा दिन हो गए जो उदों दी मैं जदों दी वीडियो बनाई कोई नहीं है, इस करके चलाया नहीं, तो साफ भी करना। अगर आप आ चीज़ नू, अगर जेड़ा साडा प्रोफेशन है, अगर आ चीज़ नू असीं इज्जत देवांगे तो ये चीज़ सानू वापस इज्जत देगी। तो साडा ट्रैपॉड आ पर मैं यूज़ नहीं करता, आप नवा बाय करांगे, ये भी तुहानू वीडियो आएगी। तो बाकी इहनू कर दे बंद। सो गाइस, ये पेन ड्राइव शब्द वास्ते, आ गाने वाली सैपरेट आ, वाईफाई का होगा वा डोंगल, तो आ मेरे ख्याल माउस दी आ। तो बाकी आ फ्रंट च तो आप दसाने जिमें विखाया थले कि भी आ लिया कैबिनेट UPS वो तो लिया ही, अपना खराब हो गया सी, मैं क्या हले गुजारे वास्ते, तो फिलिप्स का गस घट तो घट नहीं ना, घट तो घट नहीं आई थिंक 10 साल पुराना मोनीटर है वा पूरा सैटअप। तो आनू विखाने की हिसाब किताब होया गाइस, जो पावर यदि मैं दिना है ना, जो कनैक्ट है ये पावर ही नहीं आती, ये चलता ही नहीं है, मतलब इतने पहला ग्रीन लाइट आ जाती सी ना, तो वो करके ना हूँ अज खोलिया मैं, खोल खोल के भी चैक किया बट गल जी नहीं बनी। तो आई थिंक मैं लगता सारा प्रोसैसर ही चेंज कराना पेगा क्योंकि बहुत पुराना 10-15 साल पुराना है कंप्यूटर। तो बाकी इस आप एक पखा पाया, जो इन सैपरेट दोबारा एक बार चालू किया ना, इस एक पखा पाया ही, एक आप रैम पाई सी, तो एक ग्राफिक कार्ड पाया ही, वह खराब हो गया, वह कंपनी च दिता हुआ। तो आई थिंक
ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਓਏ ਖੜਾ ਜਾ ਗਾਇਸ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਆ ਗੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਡਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਘਰ ਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਨਿਕੋਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਦਾ ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਸ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਵਰ ਔਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਨਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਆਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਇਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੀ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਸਟ ਆ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਪੀ ਸੀ ਬੈਸਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਲੈਪਟੋਪ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਸ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।